हेलो गाइस, मैं हूं आशु ठाकुर द्वारका होम से। एक बार फिर से आपके लिए नया बिल्डर फ्लोर लेके आया हूं 72 स्क्वायर यार्ड्स में। तो कई लोगों का बजट कम था 75 स्क्वायर यार्ड से, तो वो नहीं ले पा रहे थे, पर पसंद आ रहा था हमारा बिल्डर फ्लोर सेक्टर 19 वाला। तो ये वैसा ही काम किया हुआ फ्लैट है, तो 72 स्क्वायर यार्ड्स में है। 72 स्क्वायर यार्ड्स में है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका ड्राइंग स्पेस है, इसमें सेम नीचे पार्किंग है, इसमें लिफ्ट है। तो लिफ्ट के साथ बड़ी वो थी डिमांड्स की लिफ्ट वाले दिखाओ। सेक्टर 19 या किसी में भी ना 72 स्क्वायर यार्ड्स या 80 स्क्वायर यार्ड्स में लिफ्ट कम लगाते थे पहले, पर अब लगनी शुरू हुई है, कुछ कुछ लोगों ने लगाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स का एरिया, ये स्टेयर्स हैं और ये लिफ्ट का इसमें एरिया है। अभी लगेगी इसमें लिफ्ट लग के मिलेगी। इसमें 3 फ्लैट सेल हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड टॉप फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर बचा है इसमें बस। तो ये इसका ड्राइंग रूम है, आपको पूरा कंप्लीट होके मिलेगा, फर्निश्ड मिलेगा, मतलब विदाउट फर्नीचर, सारा काम वाम होके, पेंट पॉलिश सब होके मिलेगा आपको। तो इसकी किचन है, ये मॉडुलर किचन बन के मिलेगी। स्पेस आप देख सकते हैं इसका, तो ये सेक्टर 19 में है, DDA के फ्री होल्ड प्लॉट्स है ये। तो अगर आपको ये समझ आए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने 19 में एक 75 लाख का डाला हुआ है, एक 45 लाख का डाला हुआ है। 45 लाख थोड़ा लोकेशन की वजह से कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों को नहीं लगा, तो ये भी देख सकते हैं आप। ये 65 लाख की डिमांड में है, 65 लाख। ये इसका बेडरूम साइज़ देखिए, और फॉल सीलिंग हो रखी है। ये बेडरूम साइज़ है इसका। ये ड्राइंग रूम आपने देखा, ड्राइंग रूम के बाद ड्राइंग रूम के साथ में एक वॉशरूम दिया हुआ है। ये आप वॉशरूम देख सकते हैं, वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये बेडरूम था, ये बेडरूम साइज़ देखिए। इसमें आपको कबर्ड्स पूरी प्रॉपर मिलेंगी, और यहाँ पर इसमें टाइल्स लगी हैं फ्लोरिंग में, पर वुडन लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको। ये इसका सेकंड वॉशरूम है, तो यहाँ पर लोन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि DDA के फ्री होल्ड प्लॉट्स में ये फ्लोर्स बने हुए हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम भी आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर विंडो लगी हुई है, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है विंडो की वजह से। ये इसमें छोटी बालकनी मिलती है, प्रॉब्ली इतनी ही बालकनी होती है, 70-80 गज में, 72 गज में छोटी बालकनी होती है। ये बालकनी सामने से पाक है। जो हमारा 75 स्क्वायर यार्ड्स का सेक्टर 19 का डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो थोड़ा इससे थोड़ा सा आउटर में है, ये थोड़ा सा अंदर है, ज़्यादा अंदर नहीं है। ये भी मेट्रो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो है, रिक्शा चलते हैं, आप आराम से रिक्शे से जा सकते हैं, और मार्केट पास में है, तो सारी चीज़ें पास में है, पार्क पास में है, मार्केट पास में है, तो लोन में कोई दिक्कत नहीं है। पानी बिजली सब यहाँ पर, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, और BSES का मीटर लगा हुआ है, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, ये भी आप देख लीजिए, सेकंड बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये DDA में शाफ्ट छोड़नी पड़ती है, तो ये शाफ्ट छोड़ी हुई है। अभी इसके इस साइड में कोई प्लॉट खाली पड़ा है, तो इसलिए यहाँ से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काम चल रहा था, पर काम चलते हुए भी यहाँ बिक जाते हैं द्वारका में जल्दी। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सेल हो चुका है, थर्ड फ्लोर बचा है टॉप से नीचे वाला। 65 लाख की डिमांड है, आप आ सकते हैं, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम करवाना करवा सकता हूँ उतना कम करवाऊँगा आपके लिए। तो जल्द से जल्द आएँ, एक ही फ्लोर बचा हुआ है, लिफ्ट के साथ मिलेगा। द्वारका में रहना चाहते हैं कई लोग, द्वारका मोड़ नवादा पालम नहीं लेना चाहते हैं, द्वारका में ही रहना चाहते हैं, तो ये फ्लैट आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने दोनों बेडरूम, दोनों वॉशरूम, किचन आपको दिखा दी है, स्टेयर्स दिखा दिए हैं, लिफ्ट का एरिया दिखाया आपको। तो यहाँ पर भी अभी सामने साथ वाला प्लॉट बना नहीं है, कॉर्नर के साथ वाला है, बस इसके साथ एक प्लॉट और है, उसके बाद ये साथ वाला है, तो इसको यहाँ पर भी अभी विंडो मिली हुई है, जब साथ वाला बनाएगा तब ये ख़त्म हो जाएगी स्पेस वेंटिलेशन। तो चलिए मैं इसको आपको बाहर से आउटलुक भी दे देता हूँ। ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे अभी सामान रखा हुआ है, और ये पूरा पार्किंग स्पेस मिलेगा आपको, 4 लोगों की पार्किंग के लिए जगह है।
स्पेस मिला हुआ है, आपकी बाइक स्कूटर्स आराम से खड़े हो सकते हैं, कार्स भी आ सकती है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें कार्स आ जाएंगी। काफ़ी पार्किंग काफ़ी अच्छी है, और सामने पार्क है तो उसके सामने भी लगा सकते हैं आप कार, तो ऐसी कोई यह सारे 72 गज के बिल्डर फ्लोर्स हैं, 75 गज के सिर्फ 7 ही थे, वो हमारे पास जोड़ा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो बाकी सब यहाँ मोस्टली 72 स्क्वायर यार्ड्स हैं या फिर सीधा ही 210 गज के हैं। 210 गज महंगे हैं, 2 करोड़ 180 185 की डिमांड में है, इस साइड सारे 72 गज के हैं। तो ये 72 गज का अच्छा ऑप्शन है, ये देखिए कॉर्नर का खाली पड़ा है, इसके साथ वाला ही है ये, तो अच्छा है। यहाँ पे गेटेड है, उस साइड दोनों साइड आप गेटेड दिख रहे हैं, उस साइड भी गेटेड है, इस साइड भी गेटेड है, अपना गार्ड्स रख सकते हैं ये सारे लोग मिलके। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये सीधा जा रहा है आपका सेक्टर 11 मेट्रो की तरफ, और ये वाली जो रोड है ये अमराई जो की जो मार्केट आ जाती है उस फेसिंग है। तो मार्केट, मेट्रो, स्कूल सब चीज़ पास में है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, 1 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा देखें, शेयर करें रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी लेना हो द्वारका में कम बजट में DDA का फ्री होल्ड बिना कोई टेंशन के कागज़ों के, और उसके वो सारा काम हमारा है। आप लॉयर भी ला सकते हैं अपना, किसी को डॉक्यूमेंट चेक कराने हो, वैसे तो DDA के फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं यहाँ सारे, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, नक्शा पास होता है DDA से तभी यहाँ पे बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बना सकते। तो लोन पूरा होता है, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, HDFC, SBI, ICICI बैंक, किसी बैंक से, हम HDFC से कराते हैं, बाकी आपको किसी से भी लेना है तो आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। कुछ भी द्वारका में फ्लैट लेने हो, सोसाइटी, DDA, प्लॉट्स, फ्लोर, सब चीज़ मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। आशु ठाकुर, द्वारका होम से।